Chegou a hora. Solta o som. So, hello, hello, what's up, guys? Kiss up, sub. Ab dekho hamare channel Fire Army Official. Main hu MK White. So, guys, aaj ki video bahut hi zyada interesting hone wali hai, jaise ki maine kal aapko bataya tha. So, guys, fatafat se guys video ko kar do like, share. एंड गाइस कमेंट करके बताओ कैसी लगी ये स्टोरी. ठीक है गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो गाइस पूरा एंड तक देखना, स्किप मत करना. ठीक है, जिसमें आपका ही घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता. ठीक है, सो गाइस, और अगर पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर आप फायर आर्मी ऑफिशियल पे न्यू हो तो गाइस फटाफट सब्सक्राइब कर दो चैनल को. रेड कलर का यहाँ बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दो और बेल आइकन भी ऑन कर देना. सब्सक्राइब कर दो गाइस फटाफट फायर आर्मी ऑफिशियल को. आपको लेटेस्ट अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और कई सारी ढेर सारा फन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे. तो गाइस फटाफट सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी, और अपने 25K के बहुत क्लोज हैं. ठीक है, तो इसलिए जल्दी कह रहा हूँ गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो. क्योंकि गाइस आप सब्सक्राइबर यहाँ पे रेट देख सकते हो कि देखो कितने सारे सब्सक्राइब नहीं करते हैं. तो गाइस यार जो अच्छा कंटेंट देता है यार, उसको तो कम से कम एट लीस्ट आपको सपोर्ट करना चाहिए. तो ठीक है गाइस, सब्सक्राइब कर देना फायर आर्मी ऑफिशियल को. तो गाइस आज चलते हैं डायरेक्टली स्टोरी में बिना कोई देरी करे हुए. सो गाइस आज की जो स्टोरी है मेनली यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ बरमूडा मैप की कहानी. ठीक है, बरमूडा 2.0 गाइस कैसे आया. ठीक है, आपको भी एक्चुअली में पता नहीं होगा गाइस बरमूडा 2.0 एकदम से आया है. तो इसके जो पीछे होता है, स्टोरी बिहाइंड रहती है जो इसके पीछे, जो अब तक कोई रिवील्ड नहीं करता है. तो गाइस मैं आपको पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ, कोई एनिमेटेड स्टोरी नहीं है, ये ऑफिशियल्स की तरफ से स्टोरी है. ठीक है, ऐसा माना जाता है. ठीक है, कि मतलब यहाँ पे जो बरमूडा है. ठीक है, तो आज शुरू करता हूँ फिर गाइस सुनाना. सो गाइस जब अपना जो मेनली अपना जो बरमूडा मैप होता है वो मतलब अभी शांति से सब कुछ सही चल रहा होता है वहाँ पे. ठीक है, फिर मीटियोर्स का यहाँ पे हमला, मतलब मीटियोर्स गिरने लगते हैं बरमूडा मैप में कुछ कुछ जगह पे. इसी बात को लेके यहाँ पे कैली और मैक्सिम और यहाँ पे हायाटो और एंटोनियो गाइस चिंता में आ जाते हैं. सबसे पहले वो लोग चिंता में आ जाते हैं गाइस ये लोग के हो क्या रहा है. ठीक है, और जैसे ही मीटियोर्स गिरते हैं तो सबसे पहले जो प्लेस होती है वो यहाँ पे रिमनैम विलेज होता है. ठीक है, जो पूरा तबाह हो जाता है गाइस, और साथ ही साथ यहाँ पे ग्रेवयार्ड होता है, यहाँ पे ये भी तबाह हो जाता है. ठीक है, फिर धीरे करते करते गाइस मीटियोर्स जो होता है हमला, ठीक है, मीटियोर्स जो गिरते हैं वो पूरे बरमूडा मैप में गिरने चालू हो जाते हैं. इसी बात को लेकर यहाँ पे मैक्सिम, कैली वगैरह और सभी प्लेयर्स यहाँ पे चिंता में आ जाते हैं. और वैसे ही इन्हें एक फैसला करते हैं कि यार भाई हमें कालाहारी मैप में जाना पड़ेगा, बिकॉज बरमूडा पे मीटियोर्स गिरने लग चुके हैं और बरमूडा मैप गाइस पूरी तरीके से तबाह हो रहा है. ठीक है, सो गाइस यहाँ पे मैक्सिम और कैली यहाँ पे अपना जो कैरेक्टर हैं वो लोग यहाँ पे कालाहारी मैप चले जाते हैं. ठीक है, जैसे बरमूडा यहाँ पे तबाह हो रहा होता है, जब कालाहारी मैप में वो एंट्री कर लेते हैं. ठीक है, और वहाँ पे कुछ दिनों के लिए रहने लग जाते हैं. और जैसे ही यहाँ पे और थोड़े दिन और यहाँ पे बीत जाते हैं, जैसे यहाँ पे एंटोनियो और यहाँ पे अपना जो हायाटो है, एंटोनियो है, मैक्सिम है और यहाँ पे कैली है, वो वापस आके देखते हैं बरमूडा मैप पे. तो गाइस उनको कुछ भी नहीं दिखता है. ठीक है, एकदम मतलब पूरा आप ये मान सकते हो कि गाइस पूरा बरमूडा तबाह हो चुका होता है जब तक. ठीक है, बट फिर यहाँ पे है ना, उन लोगों ने यहाँ पे ये ठानी कि गाइस हम इस बरमूडा को पहले जैसा बनाएंगे. ठीक है, सो गाइस पहले जैसा बनाने के लिए उसको यहाँ पे उसको मैप के जो क्लूज चाहिए थे, मतलब जो मैप की जो पिक्चर है वो चाहिए होती, बट है ना यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे जो मैप की पिक थी वो यहाँ पे मिल नहीं पा रही थी इनको. ठीक है, तो गाइस फिर से इन्हें रीबिल्ड करा, सब कुछ बनाया, पीक बनाया, मिल जैसा मिल बनाया है, बट यहाँ पे जो गाइस कॉर्नर के जो चार हिस्से थे गाइस वो उनको नहीं मिल रहे थे. बिल्कुल नया तरीके से जो मैप अब जो मतलब बन चुका था, एकदम डिजाइन कर चुके थे कैली, मैक्सिम, हायाटो वगैरह सब मिलके यहाँ पे फिर से बरमूडा को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिया गया था, रिकंस्ट्रक्ट. ठीक है, और वहाँ पे गाइस थोड़ा अच्छा मॉडिफिकेशन हुआ इसी बात पर, और ऑप्टिमाइजेशन भी हो गया और टेक्सचर भी चेंज हो गया गाइस. ठीक है, तो गाइस मतलब बरमूडा तो बिल्कुल नया हो गया, बट जो चार हिस्से बचे थे वो बचे थे गाइस अपना जो ग्रेवयार्ड है वहाँ के, और गाइस जो डैम है रिवर साइड के बीच में. ठीक है, वो वाला, और गाइस यहाँ पे सेंटोसा जो अपना दूसरा आइसलैंड था गाइस, आइसलैंड जब बरमूडा यहाँ पे जब मीटर्स गिरे थे, जब वो आइसलैंड टूट गया था गाइस, बिल्कुल टूट के अलग हो गया था, तो गाइस उसका जो मैप का जो यहाँ पे पिक था वो उनके पास हाथ में नहीं लगा. जैसे ही यहाँ पे कैली मैक्सिम को बोलती है यहाँ पे मेरे को सेंटोसा का पिक दो यहाँ पे, तो और यहाँ पे मैक्सिम दे नहीं पाता है, और ना रिमनैम का दे पाता है, ना ग्रेवयार्ड का दे पाता है, और ना वो डैम का दे पाता है. तो उनको कुछ नया आइडिया आता है, इतने में यहाँ पे एंटोनियो यहाँ पे बोलता है अपना दिमाग लगा के, गाइस यहाँ पे अपन को कुछ नया करना चाहिए. तो जैसे ही एंटोनियो यहाँ पे बोलता है तो वैसे ही यहाँ पे सबके मन में आइडिया आ चुका होता है, कि जब तक मैक्सिम भी बोलता है गाइस कुछ अब तो नया कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज वो मैप का जो हिस्से थे वो उनके पास नहीं थे. तो वैसे ही कैली वगैरह सब लोग फिर से मिलके यहाँ पे
उस मैप को डिजाइन करने में लग जाते हैं और उसमें गाइस न्यू प्लेस ऐड कर दी गई है। ठीक है गाइस, समझ गए ना। तो गाइस बरमूडा 2.0 कैसा है ये सब पूरी स्टोरी है बिहाइंड है गाइस, कोई मतलब ऐसा फनी स्टोरी नहीं है, मतलब सिर्फ नॉर्मल ये ऑफिशियल्स की तरफ से बता रहा हूँ कि बरमूडा कैसे बनाए बरमूडा 2.0। ठीक है, तो गाइस वो लोग फिर से कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हैं और कंस्ट्रक्ट करते करते गाइस उनको कम से कम यहाँ पे 30 यहाँ पे उनको बहुत टाइम लग जाता है, कम से कम आप मान सकते हो 6 महीने लग जाते हैं। और वो 6 महीने में काफ़ी अच्छी प्लेस कंस्ट्रक्ट कर चुके होते हैं, डैम के पास यहाँ पे हाइड्रो पावर नाम की जगह कंस्ट्रक्ट कर चुके होते हैं। रिम नाम यहाँ पे जो विलेज था गाइस वो उनको दोबारा नहीं बना पाए, अफसोस की बात थी। बट यहाँ पे फिर एंटोनियो के मन में एक ख्याल और आया था कि गाइस उसी को उसी बीच को मतलब अच्छा कर दिया जाए, तो उसको फिशरमैन क्रीक वहाँ पे नाम दिया गया। और जो अपना ग्रेवयार्ड था गाइस वो बिल्कुल मतलब थोड़ा अच्छा था, बिल्डिंग टाइप का था, तो उनके मन में जो बात थी गाइस एक आइडिया सा था, तो उनने वहाँ पे एक एकेडमी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करी। ठीक है, और गाइस नेक्स्ट चलते हैं। तो गाइस अब जो अपना जो सेंटोसा था जो अलग हो चुका था यहाँ पे बरमूडा पे मीटर्स गिनने के बाद में, फिर वहाँ पे ना जो अब यहाँ पे मैक्सिम बोलता है कि गाइस यहाँ पे अपने फ्री फायर में यहाँ पे गार्डन नहीं है। सो गाइस यहाँ पे जो आखिरी में सबसे गार्डन कंस्ट्रक्ट किया गया जो कि अपने सेंटोसा की जगह पे आया, वो जो कि बहुत छोटा हो गया और थोड़ा एक नया हिस्सा भी बन चुका है बरमूडा का। ठीक है, सो गाइस बेसिकली यहाँ पे ये स्टोरी थी, मैक्सिम कैरी एंटोनियो और हयाटो ने यहाँ पे दोबारा कंस्ट्रक्शन चालू करा और बिल्कुल नई प्लेस बनाई चार। ठीक है, और बरमूडा को फिर से नया तरीके से बनाया 2.0। ठीक है, सो गाइस होप आपको स्टोरी काफी पसंद आई होगी। गाइस स्टोरी में कोई ज्यादा मतलब सेंस है मतलब बरमूडा 2.0 कैसे आया। और बाकी गाइस और एक बात और मैं बता दूं, न्यू अपडेट आपको थोड़े ही दिन में देखने को मिलने वाला 11-12 दिन में। ठीक है, एम करते हैं गाइस 100 लाइक्स का, तो गाइस कंप्लीट करा देना, होप आप लोग कंप्लीट करा ही दोगे, मुझे पता है आई एम श्योर। ठीक है, तो गाइस फटाफट से गाइस सब्सक्राइब कर दो, इसलिए कह रहा था मैं। ठीक है, तो बरमूडा की गाइस मैंने आज पूरी रियल स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर दी है, बिल्कुल ऑफिशियल स्टोरी है और होप आपको पसंद आई। तो शेयर कर दो गाइस और कॉमेंट में बताओ कैसी लगी। तो गाइस फायर आर्मी को सब्सक्राइब करो। ठीक है गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम बाय।